मैं इंजीनियर जनवाल बात फिर एक नई प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों गाड़ी में भाई इनोवा गाड़ी है और प्रॉब्लम है ब्रेकिंग सिस्टम में। तकरीबन 1 लाख खर्च कर चुके हैं मालिक, शोरूम में काम हुआ, चंडीगढ़ काम हुआ है गाड़ी का, बट ब्रेकिंग सिस्टम इसका वर्क नहीं कर रहा है। वर्क मीन्स जब भी उतराई में गाड़ी चल रही है तो गाड़ी ब्रेक्स ऑटोमेटिक खुद छोड़ रही है और 2-3 बार हादसा होने से गाड़ी बची है। तो गाड़ी पहुंची हमारे पास बिलासपुर से और देखते हैं इसका सुई के बराबर काम है या हाथी के बराबर। आप साथ भी शेयर करेंगे, आप वीडियो में बिल्कुल बने रहें, देखें और टेस्ट ड्राइव के बाद आपको बताता हूं कि कैसे ब्रेक छोड़ दे, क्या हो रहा है और क्या सिम्टम है ब्रेक छोड़ने के, तो चेक करके आपको भी बताएंगे। तो फाइनली गाड़ी को कर रहे हम ड्राइव और तकरीबन 20 किलोमीटर हमने गाड़ी को ड्राइव किया है और वो भी हम उतराई में ही जा रहे हैं कि हम गाड़ी के जो व्हील्स है ब्रेकिंग सिस्टम को गर्म कर सकें और पता चले हमें कि गाड़ी का जो ब्रेक पैडल कहाँ पे जा स्किप हो रहा है और जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। इतना खर्चा भी कर चुके हैं, परेशान है, कह रहे हैं तो गाड़ी को काट दो या तो बना दो। ये देखो दोस्तों धुआं निकल रहा है पानी में डाल के, इसका मतलब चक्के बहुत ही गर्म हो गए इसके व्हील। दोस्तों जैसे कि हम गाड़ी को चेक करके आए और आपने देखा कि गाड़ी हीट होने से गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम फेलियर हो गया और हमने जैसे गाड़ी को पानी में हम ले गए तो देखा आपने कि कितना पानी जो है भाप के रूप में बना। तो इस पे क्लियर है कि फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम क्या, फ्रंट व्हील क्या है इसके गर्म हो रहे हैं। गर्म होने की वजह से गाड़ी क्या करे ब्रेक छोड़ रही है, ये कॉज है। और आप देख सकते हैं कि क्या क्या बदल गया गाड़ी का। तो दोस्तों यहाँ पे वैक्यूम असिस्टेंट हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, इसका मास्टर सिलेंडर टेंडर मास्टर सिलेंडर भी चेंज कर दिया गया है, डायफ्राम जो है बूस्टर भी चेंज कर दिया गया है, इसके ड्रम ड्रूम सभी चेंज कर दिए हैं। काफी खर्चा किया है गाड़ी पे, अब देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका लेफ्ट फ्रंट व्हील बिल्कुल जाम चल रहा है, आप देख ही सकते हैं, बहुत जोर लग रहा है, घूम भी नहीं रहा है, जाम चल रहा है। ये वाला व्हील कितना फ्री है, तो अगर इसके साथ कंपेयर करूं उसको तो वो जाम चल रहा है। जाम चलने का मतलब है डिस्क पैड क्या है, डिस्क रोटर के साथ चिपक के चल रहे हैं। चिपक के चलने का से तात्पर्य है कि हीट जनरेट हो रही है। जब हीट जनरेट होती है दोस्तों, जब दो चीजों में घर्षण प्रोड्यूस होता है तो वहां हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से आपको खुद ही पता है कि गाड़ी का क्या है ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है एक व्हील की वजह से। दोस्तों बाकी पिछले व्हीलों को भी चेक करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री चल रहा है, रियर लेफ्ट साइड का व्हील बिल्कुल फ्री है, देन आप राइट साइड का चेक करेंगे हम। दोस्तों देखिए रोटेशन ले रहा, कंटिन्यू घूम रहा है, 3 व्हील गाड़ी के बिल्कुल फ्री है, 1 व्हील लेफ्ट फ्रंट जाम है जिसकी वजह से ब्रेकिंग सिस्टम फेलियर है। फिर इतना पैसा क्यों खर्च दिया गया, उसको चेक क्यों नहीं किया गया। ठीक है जल गया, फिर उसके बाद नहीं हुआ ठीक है, फिर ले गया मैं ब्लास्ट। ठीक है वो लगा काम करने, उसने देखे सस्पेंशन ले लिया इसके सॉल्व करने, उसकी वजह से खर्च किया गाड़ी जो उसने सस्पेंशन कर दिया, बिल बना दिया बना सारा। ठीक है सस्पेंशन हो गई, उसका 2 चक्कर हमारे काजस भी थी गए, सस्पेंशन मिल गई ब्रेक वैसे। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, राजेश ब्रेक अप्लाई करें। कई बार प्रॉब्लम सुई के बराबर होती है और बन हाथी के बराबर जाती है, तो इसमें सीधा बलि का बकरा बनता है कस्टमर, बाकी लालों की जेबें भरती जाती है, कस्टमर की जेबें खाली होती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें दिख रहा है डिस्क रोटर का जो फ्रंट डिस्क रोटर है उसका सरफेस अनइवन है, ऊपर से क्या है दोस्तों अंदर है, जैसे मैं फिंगर को नीचे ले जा रहा हूँ यहाँ से बाहर है, तो अप डाउन है, ये भी हो सकता है कॉज। बाकी देखते हैं, क्लिपर पिन्ने हो सकती है आपका, इसका पिस्टन हो सकता है, जो फ्रंट डिस्क का पिस्टन भी हो सकता है, ये भी जाम चलता है कई बार, जिसे क्लिपर हैंगर कहा जाता है पूरी असेंबली को, तो ये इसकी भी दिक्कत हो सकती है, तो ये भी देखते हैं। घूम नहीं रहा है, बहुत जोर ले रहा है, ले आइए स्क्रू ड्राइवर, ले आइए पिस्टन बैक करके देखते हैं, फ्री चलता है। कैमरामैन जूम कीजिए, तो यहाँ पे ध्यान से आपने क्या करना, पिस्टन को करना बैक, डिस्को के जो मेटल पार्ट में यहाँ पे देखिए आप दिख रहा है, यहाँ पे हमने पिस्टन को कर दिया बैक। ये देखिए डिस्क पैड जैसे मैंने रिमूव लूज किए, प्रेशर दिया, ये देखिए अब व्हील आपका बिल्कुल फ्री हो गया, देखिए आराम से एक फिंगर से घूम रहा है, ये देखिए। केसर बेटा ब्रेक अप्लाई करना, तो अब देखते हैं ब्रेक लगा के पिस्टन, देखिए फ्रंट में आ रहा है, कैमरामैन जूम कीजिए, तो छोड़िए ब्रेक, छोड़िए लगाइए, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए बहुत जाम हो गया, ब्रेक अप्लाई करने से बहुत जाम हो रहा है, इसका मतलब हमारा पिस्टन वापिस नहीं जा रहा है। ब्रेक जब जैसे हम छोड़ते हैं तो पिस्टन आपका हल्की सी क्या है इसमें माइक्रोन्स में क्लियरेंस आनी चाहिए, इन
डिस्क पैड और जो हमारे अंदर रोटर है और हमारा पिस्टन है नहीं आ पा रही है, रोटर चल रहा है जाम, ब्रेक फेलियर का ये है कॉज। तो जो हमने यहाँ फॉल्ट पाया, जो इसकी डिस्क क्लिपर पिन्ने हैं, पिन्स हैं, ये आपका हैंगर है, तो ये क्या है आपका, देखिए पिस्टन तो मुझे ठीक लग रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल जाम हो गया है, स्लाइड नहीं हो रहा है। तो पिन्ने जब जाम है तो जैसे ब्रेक लगा रहे हैं तो इसमें मूवमेंट नहीं हो पा रही है, हल्की सी मूवमेंट होनी चाहिए, हिलना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है हमारा डिस्क जाम चल रही है। तो छोटा सा फॉल्ट, तो फाइनली कर रहे हैं इसको डिसकनेक्ट। दोस्तों कैलिपर कैरियर जिसे हैंगर भी कहा जाता है, ये था फॉल्टेड, इसकी वजह है ये जो ये क्या कर रहा है, जैसे हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो पिस्टन है जाम रह रहा है, डिस्क जाम रह रही है, ये क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को जो है डिस्टर्ब होनी चाहिए हो नहीं रही है, और इसी की वजह से डिस्क कंटिन्यू रगड़ खा रही है। और गाड़ी के ऑनर का कहना है कि जो अभी हमको बताया इन्होंने, जो भी बात हुई तो कह रहे कि अभी डिस्क भी नहीं डाली है हमने कंपनी में, बट कम चली है गाड़ी फिर भी ख़त्म होगी, कारण कॉज कि ये कंटिन्यूटी क्या है घसती रही, वियर होती रही डिस्क रोटर के साथ। दोस्तों देखिए डिस्क रोटर जो है हमारा, जो ब्रेक रोटर है, इसमें भी कंटिन्यूटी जो हमारे ब्रेक पैड जो घसते रहे, और ये भी देखो काला हो गया है, वजह क्या है कंटिन्यूटी हाई फ्रिक्शन, और ये इसका सरफेस भी खराब हो गया है, यहाँ ये डाउन है और यहाँ अप है, तो इसकी वजह से भी ये कंटिन्यू क्या कर रहा है जाम चल रहा है। तो छोटी सी प्रॉब्लम, सुई के बराबर प्रॉब्लम थी। अब कई चाणक्य करेंगे मैसेज मुझे कि आपने टर्न क्यों नहीं करवाया, लेथ मशीन में क्यों नहीं ले गए, तो इससे ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है, प्रॉपर जो सरफिस कंपनी का बना होता है हाईटेक इंजीनियरिंग में वो ये चीज़ नहीं बना पाते लेथ मशीन पे, जिसकी वजह से कि आपके ब्रेक्स गर्म हो जाती हैं और डिस्क जो पैड आपके जल्दी वियर हो जाते हैं। तो मैसेज ऐसे ऐसे ना करें। तो दोस्तों ये थी वो बीमारी जिसको हम नया डाल रहे हैं, क्योंकि पिन्स भी नहीं चलेंगी, काफ़ी वियर हो गए, खराब हो गए, जाम है बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए ट्रू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, इसे इधर उधर जाना बिल्कुल मक्खन की तरह जा रहा है। राजा जी ब्रेक अप्लाई कीजिए, देखिए दोस्तों जाम हो गया बिल्कुल, छोड़िए ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फ्री है। बात करवानी है तो दोस्तों देखिए दर्द थी दोस्तों सर में, पाँव काट दिया, ये बात हुई दोस्तों यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। मरने दो कस्टमर मरने दो कस्टमर वो कर बस सारा पीनी नहीं। तो दोस्तों अभी जा रहे ट्राई पे, देखते हैं पहले और अब में फर्क क्या है गाड़ी में, पहले गाड़ी लोड ले रही थी अब क्या कंडीशन है, चलिए कैमरा मैन अंदर आओ गाड़ी में। जैसे रुक नहीं होता है ब्रेक पे, ये नहीं किया जाम, जैसे जाम हाँ भागती है, नहीं 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 गाड़ियाँ देख देख के जी ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों कम से कम 4-5 किलोमीटर गाड़ी को डाउन में लेके आए, बट जो भील है इसके नॉर्मल है, ऐसे कुछ गर्म नहीं है, ज़्यादा हाथ लग रहा है। नॉर्मल है दोस्तों, आपका हाथ से हम पकड़ रहे हैं, जब पिछली बार हम चेक की थी तो हाथ नहीं लग रहे थे। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी बिल्कुल ओके कर दी हमने, टेस्ट ड्राइव पे गए थे, बिल्कुल गाड़ी ओके स्मूथली है, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, और जो इनके साथ स्कैम हुआ दोस्तों, स्कैम ही कहूँगा एक तरह से, अगर बात करूँ तो पैर दर्द थी और कर दिया हेड का ऑपरेशन। अब हेड का ऑपरेशन तो बहुत ही क्रिटिकल रहता है, जब एक बार हेड का ऑपरेशन हो जाए वो सेम एक साथ हुआ, कई पार्ट बदल दिए गए, प्रॉब्लम थी किसी और चीज़ की, बदल कुछ दिया गया, और मैं वही बात कर रहा था कि सुई के बराबर काम था दोस्तों, हाथी बना दिया गया इसका, बाकी कस्टमर की जुबानी खुद बताएंगे कस्टमर अपनी जेन्युइन बात को। लाखों रुपए मैं लगा चुका हूँ गाड़ी पे, समस्या एक छोटी सी थी जो जनक जी ने उसका सॉल्यूशन कर दिया, एजेंसी से लेके बाहर भी मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ गाड़ी का, लेकिन आज जो काम हुआ सेटिस्फैक्टरी है, और मैं बोल सकता हूँ कि कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।